Morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हेलो साथियों, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पावर्ड बाय एन अकेडमी। साथियों कैसे हैं आप सभी? सभी को राम राम प्रणाम, सभी का स्वागत है मेरे साथियों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे मेरे प्यारे साथियों, ख्याल रख रहे हैं होंगे अपना। और अब तो पॉजिटिविटी की लहर है मेरे प्यारे साथियों, बस जल्दी ही आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसी का ऐलान होने वाला है और ऑलरेडी हो रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए और बेहतरीन से जबरदस्त कीजिए मेरे प्यारे साथियों। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं की हुई तो डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर मेरी फ्री क्लासेस रहती हैं और ये क्लास मेरी जो रहती है आज रहेगी 3:30 बजे। वैसे जो ये क्लास रहती है हर रोज 2:45 पर रहती है, आज 3:30 बजे रहने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर मैं आपसे 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का मॉक टेस्ट आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए टोटली फ्री है। आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें अंडर SSC एग्जाम कैटेगरी दीपांशु शर्मा सर्च करना है। जी हाँ, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा, तो आपको सर्च करना है तो आपको मैं मिल जाऊंगा, ठीक है ना। या फिर इस वीडियो के प्रोफाइल लिंक के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक करके दिया हुआ है, तो वो उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप डायरेक्टली मूव कर जाएंगे, ठीक है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं जो इस चैनल पर आपकी आ चुकी हैं, तो वो वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, वो वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके रीजनिंग बाय दीपांशु सर लिखना है, या फिर आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है तो आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए, अनअकैडमी पर बड़ी शानदार फैसिलिटी आती रहती है, जैसे आप लोगों को टेस्ट के बारे में, लाइव क्विजेस के बारे में पता ही होगा, ठीक है ना, जो फ्री टेस्ट लाइव टेस्ट होते हैं। अनअकैडमी पर बड़े ही शानदार बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 7 जुलाई से, इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा, वाईफाई स्टडी के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसके अंदर 40,000 से ज्यादा घंटे का आपका रिकॉर्डेड सेशन, 300 से ज्यादा आपकी डेली क्लास रहती है, 70+ एजुकेटर पढ़ाते हैं मेरे प्यारे साथियों पर डे, ठीक है ना। और इंडिया के टॉप एजुकेटर, 70+ एजुकेटर, टॉप एजुकेटर, जो आप लोगों के बैचेज हैं, ऑल स्टार बैच, संकल्प बैच, सफलता बैच, जो CGL, CHSL और MTS और SSC, GD, SSC की जितनी भी कैटेगरी है ना, उनको टारगेट करने वाले बैच हैं, जिसके अंदर पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना। वीकली क्विज होंगे, लाइव टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा आपके पास, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी कुल मिलाकर के आपको चाहिए कंप्लीट पैकेज है। और ये कंप्लीट पैकेज आप लोगों को 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन है आपको पड़ेगी 6500। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे दीप सर, तो यहाँ पे आपका 10% इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपको ये 5850 में पड़ने वाला है मेरे प्यारे साथियों। और ऐसे ही आपके 2 ईयर की जो फीस है ये आपको 7020 में पड़ेगी आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड, गॉट इट। तो ये फीस आप इकट्ठी या मंथली पे कर सकते हैं। इसमें एक और बात आप लोगों के लिए, खुशखबरी आप लोगों के लिए ये कहूंगा मेरे प्यारे साथियों, अभी अगर बात करें तो एक जुलाई ऑफर चल रहा है, ठीक है। जुलाई ऑफर में क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए बड़ा ही शानदार ऑफर है कि जिसके अंदर आपको 6 मंथ्स का एडिशनल आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, ठीक है ना। जुलाई प्रॉमिस ऑफर है ये अनअकैडमी का। और सबसे जरूरी बेटा, सबसे जरूरी ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है, अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट, इसमें जरूर पार्टिसिपेट किया करो। इसमें पार्टिसिपेट करने का तरीका क्या रहता है मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो अनअकैडमी ऐप है ना, उसमें नीचे आपके पास टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर आएगा, एन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, ऊपर ही नजर आएगा, टेस्ट पे क्लिक करते ऊपर नजर आएगा। अपनी अन अकेडमी ऐप ओपन करना, उसमें नीचे टेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है ना। टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर ये नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एनरोल करने के लिए कहेगा, तो ये कोड लगा देना दीप सर, टोटली फ्री है टेस्ट आपके पास। ये जो टेस्ट है, ये जो कॉम्बैट होता है, ये ऑल इंडिया टेस्ट है, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का, जिसमें 50 मिनट में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो SSC पैटर्न बेस्ड होते हैं, जिसके अंदर अगर आप टॉप 3 में आते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके पास फर्स्ट प्राइज आपका एप्पल आईपैड मिनी है, और सेकंड प्राइज में एप्पल एयरपोड है, और थर्ड प्राइज में JBL स्पीकर है। और अगर आप टॉप 500 में आते हो तो आपके पास अमेजोन वाउचर जीतने का बेहतरीन मौका है, शानदार मौका है। और एक सबसे जरूरी जो है कि जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है तो आपको अपना रैंक पता लगता है, ठीक है ना, एक ऑल इंडिया रैंकिंग है मेरे प्यारे साथियों। तो आप अपनी तैयारी यहाँ पे और अच्छे से जांच सकते हैं, माप सकते हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। हर संडे ये 12 बजे होता है, तो कल 4 जुलाई है, तो ये 12 बजे होने वाला है संडे को, तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो जो चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये बातें आपको आई थिंक सो पता भी होंगी, तो इनको फॉलो जरूर किया करो, ठीक है। तो फीस का जैसे मैंने बताया कि 6500 फीस है आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड, यहाँ पे लिखा होता है रेफरल कोड, तो अपना रेफरल कोड डाल देना दीप सर, ठीक है। जैसे ही रेफरल कोड डालोगे तो ये फीस अमाउंट क्या हो जाएगा, 5850 हो जाएगा, जिसे आप EMI में मंथली भी पे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी 12 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी, और अगर मैं बात करूं तो ये नो कॉस्ट EMI है, ठीक है। ऐसे 2 ईयर की जो फीस 7800 नजर आ रही है, जैसे ही आपने यहाँ पर रेफरल कोड लगाया तो ये फीस नजर आने लगेगी 7020, और आप इसको EMI में पे कर सकते हो। अगर आप इसकी 24 EMI बनाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपको 300 से भी कम में पड़ने वाला है,
ठीक है ना। देखो 300 रुपए कुछ भी नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज के सेशन पे बात करेंगे। आज का सेशन बड़ा ही आप लोगों के लिए बेसिक सेशन होगा, मतलब मैं ये कहूं कि बहुत ही आसान होगा। अच्छा उससे पहले ये क्वेश्चन दिया था मैंने कल के सेशन में आपको, होमवर्क है ना, आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा, किसी ने नहीं किया, कोई नहीं आंसर करता। तो बेटा एक दो लोगों को छोड़ करके अगर आप आंसर नहीं करते हो तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। टीचर जो है पूरी प्रिपरेशन करके आता है आप लोगों के लिए, कोई भी टीचर है, मैं सभी यूट्यूब पे जो भी पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे टीचर हैं मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि देखो आप लोगों के लिए वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे मेहनत करके आता है, ठीक है ना। या कुछ तो टीचर 6-6 घंटे प्रिपरेशन करके आते हैं, प्रिपरेशन इन द सेंस ये नहीं पढ़ के लिख करके आते हैं भाई, ये सब बनाने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है ना, तो ये सब लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, इनको कलर वलर बदलने के लिए, एक पीपीटी बना करके देखना हालत खराब हो जाती है, तो उनको टाइम चाहिए होता है, तो वो अपना टाइम लेते हैं भाई 4-5 घंटे 6 घंटे उन्होंने लिया, और उसके बाद फिर आप लोगों से सिंपल सी मतलब आधे एक घंटे का सेशन करवा करके आपसे एक सिंपल सी बात कही, भाई इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट में बता देना, और उतना भी नहीं आप कर पा रहे बताओ है। बाकी तो चलो आप लोगों ने अच्छी बात है भाई, आप वहां आकर के आपने क्लास देखी तो उसमें भी कौन सी अच्छी बात है भाई, आपने अपने भले के लिए देखी ना। तो बेटा जब आपको एक टीचर कहता है कि आप उसके सेशन को अटेंड कर रहे हो, ठीक है, या तो उसके सेशन में ही मत जाओ, फिर तो ठीक है भाई हम आए ही नहीं थे सर, हमें क्या पता कमेंट करना था या कुछ नहीं है, आप तो या तो उसके सेशन ही में लेना जाओ, और अगर सेशन में जा रहे हो तो एटलीस्ट भाई एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वो कह रहा है कि भाई कर दो, उसको उससे पता चलता है ना कि कितना बच्चा जो है मेरी क्लास में पढ़ने वाला था, तो मतलब 2 बच्चे ही पढ़ने वाले थे हैं पिछले सेशन में, मैंने कहा इसका ऑफलाइन कमेंट में आंसर बताना, तो 2 ही बच्चों ने किया, तो चलिए बड़ी अच्छी बात है भाई, गुड कीप इट अप, आप लगे रहे इसी तरीके से, ठीक है ना, मेरी दुआएं साथ में है, ठीक है, मैं और तो क्या कहूँ, आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप करेंगे, ठीक है, किसी के कहने से तो आप बदलने वाले नहीं है। आपका तो कहना यह है कि जब हमारे हमने अपने माँ बाप की ना सुनी, आप कौन होते हो गुरु जी, है ना, ये वाली बात होती है आपकी, तो चलिए अच्छी बात है। बेटा मैं हर उस शख्स को नहीं कह रहा जो ये जो वीडियो देख रहा है, मैं हर उस शख्स को कह रहा हूँ जो पार्टिसिपेशन नहीं करते आप लोग, ठीक है ना, टीचर गला फाड़ता रह जाता है, बेटा इसका आंसर कर देना, अरे भाई बता देना, अरे कैसा लगा सेशन बता देना, ठीक है, वो गला फाड़ता रह जाता है, तुम्हें समझ में नहीं आती ये बात, है ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी एजुकेटर की बात कर रहा हूँ जो भी तुम्हें कहते हैं और जिनका भी तुम सेशन देखते हो, तो उनके बारे में भाई मैं कह रहा हूँ कि जाकर के एक बार रिप्लाई जरूर कर दिया करो, अच्छा लगता है भाई उसको बंदे को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये 5 आपके जो वर्ड सही, इनको हमें बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको ABCD बताना था, आंसर आपको करना था भाई, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले हम प्राइमरी विद्यालय लेंगे, सबसे पहले आपने प्राइमरी की होगी, प्राइमरी स्कूल किया होगा, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोग सेकेंडरी गए होंगे, ठीक है ना, फिर सीनियर सेकेंडरी गए होंगे, देन ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये क्रम है आपके पास, तो ये हो जाएगा 3-4-1 3-4-1 किसमें दिया हुआ है, 3-4-1 किसमें भी दिया, इसमें भी दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 3-4-1 लास्ट में, तो आपको पता ही है पोस्ट ग्रेजुएशन आनी है, तो मतलब 3-4-1 2 आना चाहिए एंड में, तो ये जो आपका आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, इतना ही लिखना था यार, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, चलो ठीक है जो भी किया आपने छोड़ो। चलिए आज का जो सेशन है वो वर्ड फॉर्मेशन पे है मेरे प्यारे साथियों, वर्ड फॉर्मेशन शब्द रचना, ठीक है, जो बड़ा बेसिक सेशन होता है, मतलब बहुत बेसिक है, ठीक है, फिर भी चलो कई बार स्टूडेंट को नहीं पता होता भाई ये कौन सा टॉपिक है, या फिर ये क्वेश्चन मैं जो कर रहा हूँ ये किसी टॉपिक का भी है या ऐसे खामोखा कर रहा हूं, तो भाई होता है ये भी एक टॉपिक होता है, तो यहाँ से एक आपके पास 2 आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, ठीक है ना, अलग अलग कैटेगरी के कुछ 4-5 करके 15-20 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से आधे घंटा लगेगा आपको ये टॉपिक समझने में, मुश्किल से आधा घंटा, ये मतलब प्रैक्टिस के साथ आपकी मैं अगर बात करूं तो, वैसे तो 2 मिनट में आप देख करके समझ जाओगे, लेकिन इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल वर्ड, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, ठीक है ना, 2 चीजें होती हैं, एक तो वर्ड फॉर्मेशन होता है, एक लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड होता है, मीनिंगफुल ऑर्डर ऑर्डर ऑफ वर्ड होता है, जो कि हमने लास्ट सेशन में कर लिया है, कल दोपहर सेशन हुआ था, मेरी सारी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथी जो भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, बफरिंग हो रहा है भाई, बफरिंग क्यों हो रहा है, चलिए 1 मिनट देख लेते हैं भाई ये क्या इशू आ रहा है।
चलिए सेशन को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि सारी चीजें सही हैं। एक बार मुझे बता दीजिए, इज एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट? कोई दिक्कत आ रही है आपको, बताओ जल्दी से। देखिए एक बार आप अपना मोबाइल में जो वीडियो का रेजोल्यूशन होता है ना, उसको कम ज्यादा करके देख लीजिए। सब चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है एक बार चेक कर लीजिए। चलिए एक बार चेक करके बता दीजिए कि सब चीजें सही चल रही हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। कोई दिक्कत आ रही है, बफरिंग या कुछ भी इशू हो रहा है तो मुझे बताइए। मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है तो बताइए, तो अपने सेशन को हम स्टार्ट करें। रुक रुक के चल रहा है, खतरनाक बफरिंग हो रहा है। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लगाते हैं भाई, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, अभी भी हो रही है क्या? चलो जल्दी से बता दो एक बार, क्लियर है कि नहीं है? चलिए बेटा जल्दी से बताइए कि आपकी हर चीज़ सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्या हम सेशन को स्टार्ट करें? अभी भी आपके सभी के पास बफरिंग हो रही है, इज़ एवरीथिंग इज़ गुड? कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ ज़रा। अगर मैं हिलता डुलता आपको नज़र आ रहा हूँ, मतलब स्मूथली हिलता डुलता नज़र आ रहा हूँ, तो मतलब आपकी वीडियो सही चल रही है। अगर ऐसे रुक रुक करके ऐसे 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 जा रहा हूँ तो मतलब सही नहीं चल रहा है। हो सकता है नेटवर्क का फ्लक्चुएशन चल रहा हो भाई, ठीक है? प्यारे साथियों, अब हमने थोड़ा सा टेक्निकल कुछ चेंज किया है, आप एक बार बता दीजिए। चलिए तो क्या सेशन को स्टार्ट करें भाई हम? उम्मीद करता हूँ यार हर चीज़ आप लोगों को अभी परफेक्ट नज़र आ रही होगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बताना ज़रा, ठीक है? चीज़ें थोड़ा सा इस तरीके से रहती है, होती रहती है भाई। चलिए तो बेटा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। भला ये बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है, करना कुछ नहीं होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाली बात। यहाँ पर आपको बस एक बात पर ध्यान देना है, कैन नोट भी लिखा है या कैन भी लिखा है, हो सकता है लिखा है, बन सकता है या लिखा है, या ये लिखा है बन नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है,
आपसे जो नहीं बनाया जा सकता, अब क्या नहीं बनाया जा सकता वो ये कह रहा है कि इन लेटर का यूज करके जो नहीं बनाया जा सकता वो हमें ढूंढना है, ठीक है ना। जो बनाया जा सकता है, या तो मुझे ये तीन ऑप्शन मिल जाए जो बनाए जा सकते हैं, या मुझे एक ऑप्शन वो मिल जाए जो नहीं बनाया जा सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में करना क्या होता है, ये जो वर्ड है ना इसके लेटर का यूज करके देखना है, ठीक है, और जो नहीं बनाया जा सकता उसको चूज करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या नियर बनाया जा सकता है, एन यहां से, ई यहां से, ए यहां से, आर यहां से, तो बनाया जा सकता है। क्या माइस बनाया जा सकता है, एम आई सी ई, बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्या माइंड बनाया जा सकता है, एम आई एन डी नहीं है, तो यही आपका आंसर है जो नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वन सी वन सी वन सी वन सी वन सी। इस तरीके का क्वेश्चन होता है वर्ड फॉर्मेशन का, कि यहां से कोई वर्ड बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, इसे कहते हैं हम वर्ड फॉर्मेशन। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बड़ा इजीली आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यार बताओ कौन सा हलवा क्वेश्चन है, आग लगा दोगे इसमें तो तुम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान से पढ़िएगा इस बात को। और क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है, क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे करना है, 2A 2B 2C 2D, पिछले वाले से मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता है किसका आंसर कर रहे हो। चलिए बताइए 2A 2B 2C 2D क्या आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताएंगे, शानदार जानदार जबरदस्त, जल्दी से, डू इट फास्ट, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर बेटा साइकिल अगर बात करें तो साइकिल तो बन रहा है, यहां से आपका पूरा साइकिल मिल गया और वहां से ई मिल गया। पेंसिल की अगर मैं बात करूं तो आपसे ये पूछा है जो नहीं बनाया जा सकता है, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो पेंसिल की अगर मैं बात करूं तो पीई यहां से मिल गया, एन यहां से मिल गया, आपका सी यहां से मिल गया, फिर आई एल की अगर बात की जाए तो आई यहां से, एल यहां से, तो पेंसिल भी बन रहा है। योक की अगर बात की जाए तो वाई ओ के ई के नहीं है कहीं पर, डायल की अगर बात की जाए तो डी आई एल है, के कहीं पर नहीं है। ये वर्ड क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्यों एनक्लोपीडिया में के कहीं पर नहीं आ रहा है, ठीक है, के कहीं पर नहीं आ रहा है, इसलिए योक वर्ड नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बनाए जा सकते हैं, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, डू इट फास्ट। अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इस बात पर ध्यान दीजिए। पहले आपको क्वेश्चन में इस बात पर ध्यान देना होता है, और आप लोगों ने अगर मुझसे कुछ सीखा तो वो ये सीखा कि ये पूरी जानकारी नहीं पढ़नी, मेन मुद्दे की बात पढ़नी है। यहां पर लिखा है कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, जो अक्षरों से बना है, ठीक है, इन तीन शब्दों में से जो नहीं बनाया जा सकता उस शब्द का चुनाव करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से बना है। तो ध्यान दीजिए यहां पर दोनों बातें लिखी हुई है, यहां पर दोनों बातें लिखी हुई है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आप लोगों को खुद दिमाग लगाना है कि यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोगों को खुद दिमाग लगाना है। देखो यहां पे दोनों बातें लिखी हुई हैं, ये दोनों बातें कैसे लिखी होती हैं, विच कैन बी और कैन नॉट बी। अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है जो कैन नॉट बी फॉर्म्ड, और यहां पर लिखा है जो बन सकता है, दोनों बातें लिखी हुई है, जो बनाया जा सकता है, जो नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है जो इन अक्षरों से बना है। तो आप लोगों को खुद दिमाग लगाना है इन चारों में से अगर तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं, मतलब हमें वो आंसर करना है जो नहीं बनाया जा सकता, और तीन ऑप्शन ऐसे हैं अगर जो नहीं बनाए जा सकते तो हमें वो आंसर करना है जो बनाया जा सकता है। तो ये आपको खुद दिमाग लगाना है, क्योंकि इसमें दोनों बातें आ गई हैं इस प्रश्न में। तो आपके पास अगर ऐसा प्रश्न आता है, देखो एक तो ये हो गया कि जो बनाया जा सकता है अकेला पूछ ले, एक वो हो गया जो नहीं बनाया जा सकता वो पूछ ले, एक होता है जिसमें दोनों बातें पूछ ले। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर दोनों बातें आपके लिख रहा है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे, हमें तो मेन मुद्दे की बात पर ध्यान देना है। तो चीयर तो बनाया जा सकता है, ये तो बनने वाले में आ गया, बनने वाले को मैं अंडा बना रहा हूं, ठीक है ना। एंटर की बात करूं, ई एन टी ई आर, ये भी बनाया जा सकता है भाई, ये भी बनाया जा सकता है। तो दैट मीन्स हमें कौन सा ढूंढ रहा है जो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर दो मुझे ऐसे मिल गए जो बनाए जा सकते हैं तो एक मुझे ऐसा ढूंढ रहा है जो नहीं बनाया जा सकता। मीटर की अगर मैं बात करूं तो मीटर पूरा बन रहा है, एम यहां से, ई टी आर, ये भी बनाया जा सकता है, तो हमारा आंसर यही होगा। और नेवर क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहां पर रिट्रैचमेंट में आपको वी कहीं पर नहीं नजर आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक और बात का खास ख्याल रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर एम है तो आप जो बनने वाला वर्ड है उसमें वन टाइम ही एम यूज कर सकते हैं, टू टाइम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी टू टाइम होना चाहिए तभी टू टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आपका ई टू टाइम यूज हो रहा है, आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि ई तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो बनाया जा सकता है या जो नहीं बनाया जा सकता है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 4A 4B 4C 4D क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, बीएड ओरिजिनल है, हाँ भाई ओरिजिनल ही है, कमाल की बात है, इतने दिनों से मैं नकली लगा करके घूम रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है कि नकली लगा करके आना
चलो जल्दी से बताओ, रिकमेंडेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, जल्दी से बताएं कि कौन सा बनाया जा सकता है। यही पूछा है ना, कौन सा बनाया जा सकता है, बिल्कुल यही पूछा है कौन सा बनाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग देख लीजिए कौन सा बनाया जा सकता है। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर अगर मैं बात करूं तो आर ई यहां से मिल गया, एन यहां से मिल गया, आई यहां से मिल गया, एन यहां से मिल गया, डी ई और दोबारा आर नहीं है। तो मैंने यही बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि अगर यहां पर टू टाइम आर यूज किया जा रहा है तो यहां पर रिकमेंडेशन में भी टू टाइम आर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने देखा आर है तो सही दोबारा ले लो, नहीं, वन टाइम दिया है तो वन टाइम ही यूज कर सकते हो, टू टाइम यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका नहीं बनाया जा सकता, जबकि आप क्या ढूंढ रहे हो, जो बनाया जा सकता है। तो ये तो आपका आंसर नहीं है। मेडिको की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास साथियों एम ई यहां से मिल गया, डी यहां से मिल गया, आई यहां से मिल गया, को यहां से मिल गया, तो ये बिल्कुल आप लोगों का बनाया जा सकता है। ये क्यों नहीं बनाया जा सकता, मेडिटेट्स तो एम ई है, डी आई ए भी है, टी भी है, ई भी है, एस नहीं है। अगर रिकमेंडेशन में देखे तो एस नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। इसकी कमी थी यहां पर, ठीक है ना। इसमें क्या कमी थी, टू टाइम आर था, ये दूसरा आर कहां से ले आया था। कम्युनिकेट क्यों नहीं बनाया जा सकता, कि सी ओ डबल एम बी है, यू नहीं है, रिकमेंडेशन के अंदर यू नहीं है और बाकी शायद एक आध लेटर और भी ना हो, तो ये क्यों नहीं बनाया जा सकता कि यू नहीं है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, फोर सी विल बी द राइट आंसर, जो बनाया जा सकता है। गॉट इट, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें आपको क्या देखना है, खुद पढ़िए जल्दी से जवाब दीजिए। 4, 5A, 5B, 5C, 5D क्या आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। 5A, 5B, 5C, 5D क्या आंसर होने वाला है। शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों। डू इट फास्ट, बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो उससे ये कौन से वर्ड है जो आपसे पूछा जा रहा है, जो नहीं बनाए जा सकते, जो नहीं बनाए जा सकते वो आपको बताना है। इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। देखिए अगर मैं नीचे से चलता हूं तो नेचर की बात आती है, नेचर की बात आती है तो एन बी है, ए बी है, टी बी है, यू बी है, आर बी है और ई बी है। नेचर तो पूरा बन सकता है भाई। अगर कैरेक्टर की बात की जाए ये तो बन सकता है, ठीक है ना। अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो सी है, एच नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं पर भी मुझे एच नहीं नजर आ रहा, ठीक है, एच नहीं नजर आ रहा। हाँ बिल्कुल यही आपका जो है नहीं बनाया जा सकता। अगर फ्रैक्चर की बात की जाए तो फ्रैक्चर तो बनाया जा सकता होगा। एफ आर ए यहां से मिल गया और सी टी यहां से मिल गया, फिर यू आर यहां से मिल गया, बिल्कुल फ्रैक्चर बनाया जा सकता है। रीस्ट्रेन की अगर बात की जाए तो आर ए रहा, ई ए रहा या आर ई ए रहा, एस टी आर ए ए आई एन, बिल्कुल ये भी बनाया जा सकता है। तो जो नहीं बनाया जा सकता वो कैरेक्टर है। और क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एच नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, 5C आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखो आप लोगों को यहाँ पे आपको सारे वर्ड चेक नहीं करने हैं, ठीक है ना। जो वर्ड आपसे पूछा है, जो अगर आपको जल्दी मिल जाता है तो उसको आप आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। इट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेशन फॉर यू। बिब्लियोग्राफी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, देखो ये देखो यहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ है, कैन बी और कैन नॉट बी, देखो यहां पर इस तरीके से दिया हुआ है, जो बनाया या नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां पर आपको फिर वही वाली सिचुएशन के खुद दिमाग लगाना है, खुद देखना है यहां पर कि तीन ऐसे मिल रहे हैं जो बनाए जा सकते हैं तो हमें उसे आंसर करना है जो नहीं बनाया जा सकता, तीन ऐसे मिल रहे हैं जो नहीं बनाए जा सकते तो हमें उसे आंसर करना है जो बनाया जा सकता है। तो ये सिचुएशन आप लोगों की अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होने वाली है। और इस क्वेश्चन में आप अपना दिमाग तो क्या लगाओगे, बस आपको यही दिमाग लगाना है कि इनवर्ड से इनको बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता, बस ये आपको चेक करना होता है, ठीक है। चलिए आप सबसे लास्ट में अगर आ गए तो बाइबल है, बाइबल में बी ई वी एल ई है, ई नहीं है। बिब्लियोग्राफी के अंदर कहीं पर भी ई नहीं है तो ऑप्शन डी तो ऐसा हो गया जो नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं बनाया जा सकता। पेयर की अगर मैं बात करूं तो पी ए आई आर आर, तो ये बनाया जा सकता है, ठीक है ना, जो बनाया जा सकता है मैंने उसको टिक मार कर दिया, जो नहीं बनाया जा सकता मैंने उसको सर्कल कर दिया। अब यहां पर तो बराबर का फैसला हुआ, अब ये फैसला आपका ये ब्लॉग कर देगा कि आपको क्या आंसर करना है, बिल्कुल ये ब्लॉग आपका आंसर कर देगा। तो मैंने देखा बी एल ओ जी यहां पर देखिए ये बनाया जा सकता है, तो दैट मीन्स आपको वो आंसर करना है जो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आपने ऑप्शन डी को आंसर कर दिया, आपने ऑप्शन ए को चेक तक नहीं किया। इवन कि आपके लिए मैं चेक करके जरूर दिखाऊंगा, तो ग्राफ आपका पूरा का पूरा यहां पर दिया हुआ है, दैट मीन्स ये भी बनाया जा सकता है, ये तीनों बनाए जा सकते हैं। तो हमें कौन सा आंसर करना पड़ेगा, जो नहीं बनाया जा सकता। ऑब्वियसली आप तीन ऑप्शन तो एक साथ नहीं चूज कर सकते यार, आपको कोई एक ही ऑप्शन चूज करने का अधिकार होगा ना, वहां पे चेकबॉक्स तो एक ही आप मार्क कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट है? चलिए जल्दी से बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। तो आप लोगों को यह बताना है फिर से, अगेन वही सिचुएशन, कैन बी और कैन नॉट बी, दोनों बातें जब लिख दी जाए मेरे प्यारे साथियों, दोनों बातें जब लिख दी जाए तो आप अपने दिमाग का पूर्णता इस्तेमाल कीजिए। तीन ऑप्शन ऐसे ढूंढिए या तो जो बनाए जा सकते हैं, या तीन ऑप्शन ऐसे ढूंढिए जो नहीं बनाए जा सकते, ठीक है ना। और तीन ऑप्शन में खेल हो जाता है, चौथा ऑप्शन आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
क्या हुआ रितु भाई, क्यों देखो कमेंट, क्या दिक्कत आ रही है? बीएससी इन एचएन मींस होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, ठीक है ना, उससे कोई कंसर्न नहीं है आपका, बिल्कुल कर सकते हो भाई, ठीक है चंदन भाई, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए तो बेटा यहाँ पर मेरी क्लास हर रोज होती है वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर शाम को 7 बजे, ये वाईफाई स्टडी चैनल है, वाईफाई स्टडी स्टूडियो शाम 7 बजे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, ब्रेन तो आपका सीधा सीधा नजर आ रहा है आपको, तो मतलब ये तो बनाया जा सकता है, किस कैटेगरी में आ गया, जो बनाया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कैन और कैन नॉट बी, एक तो सीधा कह दे भाई जो हमें वो बताना है जो बन सकता है, एक या तो सीधा कह दे जो नहीं बन सकता वो बताना है, एक इस तरीके से लिख दे विच कैन बी और कैन नॉट बी, है ना, तब उसके अंदर खुद डिसीजन लेना होता है, ठीक है, आई थिंक सो समझ गए होंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मॉर्निंग की, तो मेरे प्यारे साथियों एम ये रहा, ओ आर ये रहा, एन ये रहा, आई ये रहा, फिर एन रहा, फिर जी रहा, तो मॉर्निंग भी बनाया जा सकता है। अब डिसाइड हो जाएगा स्टॉल और स्ट्रॉम के अंदर, अगर ये बनाया जा सकता है तो मुझे ये आंसर करना है, और ये नहीं बनाया जा सकता तो यही आंसर करना है। आगे ही बात समझ में, नहीं समझ में आई तो तीन ऑप्शन में खेल हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टॉल को अगर मैं चेक कर रहा हूं तो एस टी ओ एल नहीं है, ब्रेन स्ट्रोमिंग में एल नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है ना। और स्ट्रॉम की अगर मैं बात करूं तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है, स्ट्रॉम तो पूरा का पूरा आपको लिखा हुआ दिख ही रहा है, ठीक है। लेकिन वैसे मैं आप लोगों को अप्रोच बता रहा हूं कि इस तरीके से दिमाग लगाना है भाई, आप लोगों को आंसर तुरंत में करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसिप्टेंट्स के अंदर हमें बताना है, चलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना, आपसे क्या पूछा जा रहा है आप ध्यान से पढ़िए। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द लेटर, ठीक है ना, आपको दोनों ही सिचुएशन में लिखा हुआ है, यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं और दोनों ही सिचुएशन में लिखा हुआ है, जो इन द्वारा इन अक्षरों के द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, जो नहीं लिखा जा सकता है, आपको वो चूज करना है, जो नहीं बन सकता आपको वो चूज करना है। जल्दी जल्दी से बताएंगे, 8A 8B 8C 8D, आंसर ऐसे करें मेरे प्यारे बच्चों, 8A 8B 8C 8D, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या होगा, डू इट फास्ट, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद, चलिए जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए पेन की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, PEN आपका सीधा सीधा दिया हुआ है, टेंट की अगर मैं बात करूं तो TENT द्वारा नहीं दिया हुआ है, T2 time, मैं पहले ही यह बात आपको क्लियर कर चुका हूं, अगर यहां T2 time है तभी आप 2 time यूज कर सकते हैं, तो ये तो बन सकता है और ये नहीं बन सकता है मेरे प्यारे साथियों। राइट की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों RIPE आपके पास बिल्कुल है, ये भी बन सकता है। रेंट की अगर बात की जाए, वैसे तो आंसर हो चुका है, ये तो आपकी कंफर्मेशन के लिए, RE यहां से मिल जाएगा, NT यहां से मिल जाएगा, ये भी बन रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों जो नहीं बन रहा है, और कारण क्या है, इसके अंदर 2 time T है लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 time T नहीं है, 1 time है, तो 1 time ही यूज कर सकते हो, 2 time यूज नहीं कर सकते हो, क्लियर है ना, गॉट इट, ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। तो इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएं, तो ध्यान से पढ़ें, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं मेरे प्यारे साथियों क्या आंसर होना चाहिए, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना, आपसे पूछा जा रहा है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बनाया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बनाया जा सकता है वो पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो क्या आंसर होगा, 9A 9B 9C 9D, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लगा देंगे, जल्दी से बताइए मेरे भाई, जो टिप्स हैं ट्रिक्स हैं जो भी है आप लोगों को, जो भी रिक्वायरमेंट है, आप कह रहे हो कि कमेंट देखो ये देखो वो देखो, तो मेरे भाई आप ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो, फुल प्ले रीजनिंग प्लेलिस्ट है बिल्कुल कनिष्क का, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो फुल प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी। डिलीट कर दिया, डिलीट किसने कर दिया, क्या डिलीट कर दिया मेरे को बताओ भाई, रितु किसकी दिक्कत हो रही है, नाम बताओ कौन है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है तुम्हें, कोई दिक्कत हो रही है रितु, तो आप अपना उस बंदे का नाम लिख दो कि जो तुम्हें दिक्कत कर रहा है, अभी उसको ब्लॉक करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपसे जो पूछा है जो नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो MEN ये मिल गया, T यहाँ से मिल गया, O यहाँ से मिल गया, R ये तो बन रहा है। टेन टू की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपके पास TEN यहाँ से मिल गया, 10 ये हो गया, और TUR यहाँ से मिल गया, तो ये भी बन रहा है। नामटेर की अगर मैं बात करूं तो NAM यहाँ से मिल गया, TER ये भी बन रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये आंसर कर देना चाहिए, ऑब्वियसली डी ऑप्शन आपको आंसर कर देना चाहिए। और अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा तो क्या नहीं मिल रहा है, ये क्यों नहीं बनाया जा सकता, उसका कारण क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे टी भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है,
ई भी मिल रहा है, एम भी मिल रहा है, लेकिन दोबारा ई नहीं मिल रहा है। टूर्नामेंट के अंदर ई कितनी बार आ रहा है? एक बार। लेकिन यहां पे कितनी बार यूज किया गया है? दो बार। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही बताया आपने, नाइन का आंसर। ठीक है ना। देखो मैं ज्यादा प्रश्न लेकर के नहीं चल रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप एक दो प्रश्न से ही जब सारी बात समझ जा रहे हो तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुद्दे की बात पर आया करो, ठीक है ना। घूम फिर के आने का क्या मतलब है? मुद्दे की बात पर आप दो प्रश्नों में आ जाओ। तो यहां पर जरा आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करने के लिए कहा गया है, वो वर्ड फॉर्मेशन का जो आप लोगों को एक चीज समझा दी है, ये दूसरी कैटेगरी है। यहां पर आप इसे ये भी कह सकते हो कि ये हमारा एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है, या फिर आप इसे ये भी देखो वर्ड्स के लिए दो सिचुएशन होती है, या तो उसको कहता है कि लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर उसको कहता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। या तो वो कहता है कि तार्किक सार्थक क्रम में लगाओ, या फिर आपको ये कहता है कि जैसे शब्दकोश क्रम होता है ना उस क्रम में लगाओ। तो चलिए यहां पर शब्दकोश क्रम में लगाना है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जल्दी से डू इट फास्ट। क्वेश्चन का आंसर बताएं बेटा। आप दोनों ही छोड़ दो यार, आप दोनों ही छोड़ दो, क्या है मैं के फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जो करेगा बताइएगा। चलिए छोड़ दीजिए इस बात को। तो क्वेश्चन का आंसर बताइए, 10A 10B 10C 10D पढ़ लिया करो यार, पढ़ने आते हो पता नहीं क्या फालतू की चक्कर पकड़ लगा करके रखते हो तुम लोग भी है। चलिए शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद लगा देंगे यार बेटा। IVS क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं नहीं आते, पर एक आध आ भी सकता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला कुछ सिचुएशन रहती है। ठीक है ना, मतलब ये कंडीशन बन जाती है मिसलेनियस के अंदर। ठीक है ना, क्लर्क में POVO में नहीं आएंगे, भूल जाना। ठीक है, बैंक के एग्जाम में प्री में एक आध क्वेश्चन अगर मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज कोई चांस नहीं है ऐसे क्वेश्चन का। मेनली आ जाते हैं बैंक को छोड़ करके बाकी सभी एग्जाम में। तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन होता है, इसको करना कैसे होता है इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा, इसको करना कैसे होता है। देखो हर एक में HE सब में कॉमन है, सब में कॉमन है HE। यहाँ पे नेक्स्ट लेटर क्या है? A। यहाँ पे नेक्स्ट लेटर क्या है? N। लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखना होता है। यहाँ पे भी नेक्स्ट लेटर N है, यहाँ पे नेक्स्ट लेटर D है, और यहाँ पे नेक्स्ट लेटर क्या है? A। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओगे, क्या इन सब में पहले आता है और क्या इन सब में बाद में आता है? अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास है A, A, N, D, अगर मैं इनमें बात करूं तो क्या इन सब में पहले आता है, क्या इन सब में बात आता है, बाद में आता है? तो हमें पता है A हमारा पहले आएगा, NN हमारा बाद में आएगा, बीच में D आएगा। मतलब पांच बीच में लिखा होना चाहिए जो यहां पे लिखा है, और आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया तुरंत फटाक से। मैंने नहीं पहले डिसाइड किया, जो कंफर्म है ना उस बात पे पकड़ो ना, ये तो कंफर्म है ना। ठीक है, तो भाई यहां पे आप लोगों के ये जो दो ए है, ये दोनों ए कौन से है मैंने नहीं देखे, ये दोनों एन कौन से है मैंने नहीं देखे, लेकिन ये चीज तो कंफर्म थी ना, डी तो आएगा ही आएगा, तो उस बात पे पकड़ा और मार दिया इसको। क्लियर है? क्यों, डी आपका कहां लिखा था? पांच पे। नहीं समझ में आई बात? भाई ऐसा ही हो जाता है, खेल हो जाता है तुम्हारे साथ, ध्यान से किया करो भाई। क्लियर नहीं? क्लियर भाई, क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब देखना पड़ेगा यार तुम्हें। चलो अगर आप लोग पहले को देखते, भाई हमारे पास ए आना चाहिए, कौन सा ए आना चाहिए, तो यहां पर ए के बाद क्या है? आर है, और यहां पर ए के बाद क्या है? वी है। अब बता दो आर पहले आता है या वी पहले आता है? तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात पता होगी, आर पहले आता है तो मतलब वन पहले आएगा और थ्री बाद में आएगा। अब वन थ्री से देख लो कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, यही दोनों ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दो तो आंसर हो नहीं सकते। उसके बाद आपको एकदम से पता है भाई आप लोगों के ए अगर चले गए हैं, उसके बाद डी वाला उठाना है, तो डी वाला तो पांच ही होगा, तब आप आंसर कर लोगे इसको, लेकिन मैंने तो देखते ही मार दिया इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ध्यान से कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये दिमाग लगाना होता है बेटा, ऐसे दिमाग लगाना होता है जो चीज कंफर्म हो जाए पहले उसको हिट करो और तुरंत आंसर कर दो। ठीक, चलिए शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। डू इट फास्ट, शानदार तरीके से बेटा। चलिए जल्दी से, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11A 11B 11C 11D। देखो GRA सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। इसमें क्या आएगा? S। इसमें क्या आएगा? P। इसमें क्या आएगा? N। इसमें क्या आएगा? P। इसमें क्या आएगा? S। पहले क्या, लास्ट में क्या? पहले क्या, लास्ट में क्या? पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है? हमारे पास S है, P है, N है। तो पहले क्या? ऑब्वियसली N। N से उठा लो, ठीक है ना, मतलब N आएगा पहले।
उसके बाद आपके दो पी आएंगे और फिर आपके पास दो एस आएंगे। ये बात आपको क्लियर है? पहले एन आएगा, एन आपका दो पे है। कंफर्म क्या है? दो, मतलब दो से शुरुआत, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपके है नहीं, ठीक है ना। दो से शुरुआत, ये तो आप लोगों को कंफर्म है। अब बस पी पी में आपको कंफर्म करना है। इसमें पी के बाद एच है मेरे प्यारे साथियों, इसमें पी के बाद ई है, तो एच पहले आता है या ई पहले आता है? एच पहले आता है या ई पहले आता है? ये बात आपको पता होगी सभी को, ई पहले आता है। तो यहां पे पांच लिया और वहां पे चार लिया, तो पांच चार लेते ही आपने आंसर लिया। ऑप्शन का रोल देखिए, ऑप्शन का रोल देखिए, ऑप्शन का रोल देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब दोनों एस बचे हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, दोनों एस बचे हुए हैं। इसमें एस के बाद पी है, इसमें एस के बाद एस है, तो बेटा एस पहले आता है या पी पहले आता है? एस पहले आता है या पी पहले आता है? आपको पता ही है अभी पी पहले आता है, तो आप वन को लोगे, ठीक है, और फिर आपका थ्री को लोगे, तो बन रहा है ना बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई डाउट? आप ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, आप ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इसी तरीके से, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। चार ही वर्ड है बेटा, चार ही वर्ड है, आग लगा दो जल्दी से बताओ। 12A, 12B, 12C, 12D हर एग्जाम में मिलता है ये आपको, CGL, CHSL, MTS, रेलवे, आप लोगों का स्टेट लेवल एग्जाम, हर एग्जाम में ये एक नंबर फ्री का एक नंबर। और इसमें भी अगर जल्दबाजी में गलती कर दी तो फिर क्या फायदा, या इसमें भी ज्यादा टाइम खो दिया तो क्या फायदा बेटा? जल्दी से बताएंगे शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी के अंदर आर ई कॉमन है, आर ई आर ई आर ई आर ई, तो यहां पर क्या आया? क्यू आया, यहां पे आया एफ, यहां पे आया वी और यहां पे आया टी। अब यहां तो सारे कंफर्म है कि कौन सा किस प्लेस पे आएगा, तो आपको पता है थ्री से शुरुआत होनी चाहिए, और थ्री से शुरुआत आपके पास इसी ऑप्शन में लगा दो फटाक से, भी पूरा बनाया ही नहीं, क्योंकि एफ क्यू वी टी में सबसे छोटा कौन? एफ, सबसे पहले कौन आएगा? अब ये छोटा है या बड़ा है ये मैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से डिसाइड कर रहा हूं, दिमाग में प्लेस वैल्यू चल रही है भाई, ये 6, ये 17, ये 22, वो 20, तो 6 सबसे पहले, एफ पहले आता है, सिंपल सी बात है, लगाया तुरंत में आंसर, ठीक है। चलो बाकी सबकी सीक्वेंस भी बना लेते हैं। एफ के बाद आप लोगों को क्या उठाना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों? ये 22 है, ये 20 है, ये 17 है, तो 17 ही उठाना पड़ेगा। और उसके बाद 20 और 22 में पहले किसको उठाओगे? 20 को उठाओगे, और उसके बाद फिर 22 को उठाओगे, तो बन गया ना 31, 42। क्लियर? 3142, गॉट इट? शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बिल्कुल यूपीएसआई में, यूपी ट्रिपल एससी में, सब में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन आप लोगों को। एक क्वेश्चन देखिए, धमाके से लगा दीजिए जरा इसका आंसर, धमाके से लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी, ताबड़तोड़ बेटा, शानदार तरीके से। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, 13A, 13B, 13C, 13D। डू इट फास्ट, जल्दी से, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद करें मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो जरा, यहां पे भी एम ए, यहां पे भी एम ए, यहां पे भी एम ए, एम ए, एम ए, एम ए सब में कॉमन है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, यहां पे सी है, यहां पे सी है, यहां पे जी है, यहां पे जी है, यहां पे जी है, तो ऑब्वियसली पहले क्या उठाओगे? सी सी, उसके बाद क्या है? ट्रिपल जी। अब सी सी को क्लियर कर लो, सी सी को क्लियर कर लो। सी सी में अगर मैं बात करूं तो यू है आपका, कंफर्म कुछ भी नहीं है ना, कंफर्म तो कुछ भी नहीं है आपका, एक भी अगर कंफर्म होता ना मैं उसको ही पकड़ लेता, चाहे वो बीच वाला होता चाहे लास्ट वाला होता। तो मेरे पास यार यहां पे दो सी है ना जो मैं उनको उठा रहा हूं, तो यहां पे पहले आपका यू देख रहे हो और यहां पे ए देख रहे हो भाई, सी के बाद यहां पर क्या है हमारे पास? यू, और यहां पे सी के बाद क्या है हमारे पास? ए। तो किसको आप रेफरेंस होगे? यू पहले आता है, ए पहले आता है, ए पहले आता है, तो यहां पे 2 और बचा हुआ 1, यहां पे 21 आपका, यहां पे आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पूरा बनाया नहीं, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो नहीं थी, चलो फिर भी आपकी जानकारी के लिए। यहां पे जी के बाद एन लिखा है, यहां भी जी के बाद एन लिखा है, यहां भी जी के बाद एन लिखा है, इसमें डिसीजन नहीं हो पाएगा। यहां पे एन के बाद आई लिखा है, यहां पे एन के बाद ए लिखा है, यहां पे एन के बाद आई लिखा है, तो डिसीजन हो गया आपके पास। ए और आई के अंदर ए छोटा होता है, तो आप 5 को उठा लीजिए, ठीक है। अब दोनों में आई आई है, तो आई के बाद देखो यहां पे एल आया है, यहां पे टी आया है, तो L छोटा होता है या T छोटा होता है? L छोटा होता है ना, तो यहां पे 3 को लेंगे और फिर आपका 4 आ जाएगा, गॉट इट? तो बिल्कुल बन रहा है भाई 21534, क्लियर? लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एडिशनल वर्क करने की जरूरत नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से धुआं धुआं काटते हुए, शानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, लगा देंगे आग बेटा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फ्लैश स्पीड गेमिंग, भाई जो आप लोगों की प्लेस वैल्यू याद करने की ट्रिक है वो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो आपको कहां मिलेगी? जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है,
डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी, मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सारी मेरी जो इस चैनल पर पढ़ाई गई वीडियो है वो मिलेंगी, जिसके अंदर मैंने 2 हफ्ते पहले ही एक बड़ा शानदार सेशन लिया है, आपको थंबनेल पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आओ अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करें एनिमेशन से। बिल्कुल, आओ अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करें एनिमेशन से, ये वीडियो आ चुकी है और ये वीडियो आप देखेंगे तो आप लोगों को मजा भी आ जाएगा, समा भी बन जाएगा और आप लोगों को सारी प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएंगी, ठीक है, बशर्ते उसका यूज आपको करना है। जो भी बातें उसमें बताइए कि बात को ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना, प्लेस वैल्यू याद होने की गारंटी मेरी है, ठीक है। और दूसरी बात, रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे आप जुड़ जाइए, ठीक है, किसी भी तरीके की ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क करें, ठीक है सभी लोग। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वर्णक्रम में व्यवस्थित करें और मध्य शब्द को चुने। यहां पर देखो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 नहीं दिए हैं, वर्ड्स दे दिए हैं, तो मतलब कुछ तो अलग हुआ ना क्वेश्चन। बिल्कुल, चलो पहले तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। सस्प 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 सब में कॉमन है, सस्पे सब में कॉमन है, इनकी सस्पे सस्पे सब में कॉमन है, सब सस्पे सब में कॉमन है। नेक्स्ट लेटर है एन, नेक्स्ट लेटर है सी, नेक्स्ट लेटर है एन, नेक्स्ट लेटर है एन, नेक्स्ट लेटर ई। तो पहले क्या आएगा, सी यानी 4, दूसरा क्या लेटर आएगा आपका ये 3, मतलब पहला सी और दूसरा आपका ई है, फिर तीनों एन बचे हुए हैं और तीनों एन में सबसे पहला एन कौन सा उठाना चाहिए हमें, तो एन के बाद यहां पर आपको क्या नजर आया, डी। तो यहाँ पे N के बाद क्या नजर आया, S, और यहाँ पे भी S। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे S, यहाँ पे S, पर यहाँ पे क्या, D, और यहाँ पर D, तो मतलब इसी को उठाएंगे हम, इसी को उठाएंगे हम, क्योंकि D पहले आता है भाई S से, और बीच वाला तो है यही, बीच वाला तो है यही, यही मतलब सस्पेंड, सस्पेंड मतलब आपका कहाँ पे दिया गया है, सस्पेंड तो नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना था ना, सस्पेंड तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर एक बार दोबारा से देख लें इसको, सस्पे लिया हुआ है, 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 सब में सस्पे कॉमन है, तो यहां पे सी आ जाएगा, यहां पे नेक्स्ट लेटर एन आ जाएगा, यहां पे नेक्स्ट लेटर एन आ जाएगा, यहां पे भी नेक्स्ट लेटर एन आ जाएगा और यहां पे नेक्स्ट लेटर भी एन आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये गड़बड़ हो गई थी मेरे से, यहां पर मैं ई मान चुका था, ध्यान नहीं दिया, मैं लगता है ई तक लग गया था। तो बिल्कुल यहां पे आपके पास पहला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, ये सी हो गया, बाकी चारों एन हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, बाकी चारों एन हो जाएंगे, उन चारों एन के अंदर आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना, और ये जो ये थर्ड नंबर का है इसको आपको चूज करना है क्योंकि मिड वाले का आपके आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए एन के बाद यहां पे क्या दिया हुआ है, डी, यहां पे एन के बाद एस है, यहां पे भी एन के बाद एस है, पर यहां पे एन के बाद यहां पे भी एस है, तो डी वाला उठेगा, तो सस्पेंड तो आपका आपका जो सस्पेंड है, सस्पेंड जो है वो आपका सेकंड प्लेस पे आ गया है। अब आपके पास इन तीनों में एस है, इन तीनों में एस के बाद यहां पर है हमारे पास ई और यहां पे हमारे पास एस के बाद है आई और यहां पे ओ, तो आपका डिसीजन हो जाएगा कि आप किसे उठाने वाले हैं, आई है, ई है, ओ है, तो ऑब्वियसली ई को उठाने वाले हैं, मतलब सस्पेंस को उठाने वाले हैं, फिर आपका ये 2 आ जाएगा एंड देन 5 आ जाएगा, तो मिड में क्या है, 3 नंबर मतलब सस्पेंस, तो आपके क्वेश्चन का आंसर सस्पेंस होगा। बाय मिस्टेक मैंने वहां पे ई लिख लिया था जिस वजह से सीरीज बदल गई थी, अब सीरीज बिल्कुल सही है, तो सस्पेंस आपके क्वेश्चन का आंसर है, आप लोगों ने अगर सस्पेंस आंसर किया बिल्कुल सही है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी सीक्वेंस वाला, बी आएगा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। चलिए चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, भाई फॉर्म का देखो कुछ भी एकदम से इंटीमेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको बता दिया जाएगा, तो आप बस अपनी तैयारी रखिए, चिंता मत कीजिए, ठीक है, चिंता करने से कुछ फायदा तो होता नहीं है, चिंता चिंता समान है कि आप चिंता करते रहो यार पता नहीं फॉर्म आएगा नहीं आएगा, पता नहीं फॉर्म आएगा नहीं आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा, या तो भाई तैयारी करनी बंद कर दो, ये टेंशन होनी बंद हो जाए तुम्हें, और जब तैयारी कर रहे हो तो टेंशन मत लो, जब आएगा तो पता तो लग ही जाएगा, ठीक है ना, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं जो छुपी रह जाएगी, धमाका हो जाएगा ये तो, मतलब सारे YouTube चैनल वाले बताने लगेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लगा देंगे आप बेटा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएं शानदार तरीके से बेटा, शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर बताएं यहाँ पे। तो बेटा एम ई एम ई एम ई एम ई एम ई सब में कॉमन है, इसमें आ गया एल, इसमें आ गया डी, इसमें आ गया टी, इसमें आ गया डी, इसमें आ गया टी। तो प्यारे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि डी डी अगर मैं शुरू में लिख लूं उसके बाद एल पड़ेगा फिर टी टी, जो कंफर्म है वो एल है, जो कंफर्म है वो 3 है, बीच में 3 यहां पे दिया हुआ, ठोको इसको, ठोको इसको, क्लियर है, क्लियर है, 15 का सी होगा। रज कुमार जी डी आंसर कर दिया है, कुटुल ने डी आंसर कर दिया, नितेश सिंह ने डी आंसर कर दिया,
कह रहे बात तो सही है गुरुजी, सही है और क्या है, दिमाग लगाने की बात नहीं है। मतलब जो पहले बताई थी उसके बारे में कह रहे हो, तो मैं तो सही बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, अब तुम्हें अच्छी लगे कड़ी भी लगे तो वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है भाई। दो डी उठाने हैं तो दो डी के अंदर यहाँ पे आई हो रहा है, यहाँ पे आपके बाद डी के बाद इसमें भी आई हो रहा है, तो आई से तो डिसीजन नहीं हो पाएगा। इसमें ए हो रहा है और इसमें आपका टी हो रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों ए वाला उठाना पड़ेगा आपको, तो दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा पहले और टू आ जाएगा बाद में। तो वन टू से जो स्टार्ट हो रहा है, वन टू थ्री से जो स्टार्ट हो रहा है, तो वही यही ऑप्शन है। अगला भी देख लो, दोनों टी है तो इसमें आपके पास ये है दोनों टी, हाँ ये दोनों टी है तो इसमें एच है आपके पास और इसमें क्या है ए, तो ऑब्वियसली ए वाले को प्रायोरिटी दोगे तो मतलब यहाँ पे पांच और बचा हुआ चार पीछे। क्लियर है ना भाई, सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है, डी नहीं बनेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहे साथियों आप लोगों के लिए। अब देख करके आपको थोड़ा सा घबराहट जैसा हो रहा होगा कि ये क्या दे दिया है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान। यहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर क्या करना है जल्दी से बताएं, डू इट फास्ट, पढ़ें इस क्वेश्चन को, आसान है, बहुत ईजी है, सिंपल है। इस वर्ड के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, इस वर्ड के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इस वर्ड के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बीएड की क्या टिप्स बताऊं, सारा दिन ऐसे 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 खींचते रहा करो, इसको बढ़ जाएगी। कोई पूछता है कौन सा तेल लगा रहे हो, कोई पूछ रहा है कि ये नकली है, हैं सवेरे से शाम तक तुम्हारा बस यही है ड्रामा। चलो तो चैंपियनशिप के बारे में पूछा है मेरे प्यारे साथियों, चैंपियनशिप के बारे में कुछ कंडीशन दी गई है, तो वर्ड क्या है हमारे पास, चैंपियनशिप, वर्ड क्या है हमारे पास, चैंपियनशिप है मेरे प्यारे साथियों। ये जो वर्ड है ये आपने अपनी कॉपी में लिख लिया इस तरीके से, चैंपियनशिप, इसके बारे में कुछ कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन पे बात करते हैं। इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसे हमें इस वर्ड के लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ए हमारे पास यहां पे आ जाएगा, ए और नहीं है, बी नहीं है तो सी आ जाएगा, उसके बाद सी और नहीं है, डी ई एफ जी एच आई, तो हमारे पास एच नजर आ रहे हैं, एच से पहले जो भी है वो नहीं नजर आ रहे हैं, तो टू टाइम एच है तो टू टाइम एच आपने लिख लिया, टू टाइम आई है तो टू टाइम आई आपने यहाँ पे लिख लिया। लेटर के नीचे लेटर लिखने का बेनिफिट ये रहेगा, ठीक है, कि आप लोगों को पता लग जाएगा, या काटने का बेनिफिट ये रहेगा कि आप लोगों को पता लग जाएगा कोई लेटर अगर छूटा होगा तो बीच में घुसेड़ देना उसको, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या कहा गया है, उसके बाद आई जे के एल एम एन एम 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 ही नजर आ रहा है मेरे को, ठीक है ना, मैंने एम को उठा लिया, फिर एन नजर आ रहा है, फिर आपने ओ को उठा लिया, और फिर आपके पास दो पी है, टू टाइम पी को उठा लिया, और जो बचा हुआ है वो एस, उसको भी उठा लिया, सबको उठा लिया तुमने, ठीक है प्यारे साथियों। सबको उठाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ईच लेटर इन द वर्ड चैंपियनशिप इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड देन देखो हमें क्या करना था, चैंपियनशिप वर्ड के प्रत्येक लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दिए गए शब्द चैंपियनशिप के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं व्यवस्थित कर दिया जाए, कर दिया, करने के बाद हमें बताना है, करने के बाद हमें बताना है ईच वोवल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट साइड इन द न्यू अरेंजमेंट दस फॉर्म्ड। आपसे क्वेश्चन में यह कहा गया है, आपसे क्वेश्चन में यह कहा गया है मेरे प्यारे साथियों, वोवल को नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है, जो वोवल्स है ना ए ई आई ओ यू आप जानते हैं उनको नेक्स्ट लेटर, इमीडिएटली नेक्स्ट लेटर, जैसे ए है ए के बाद क्या होता है बी, बी से चेंज हो जाएगा, ई है ई के बाद क्या होता है एफ, एफ से चेंज हो जाएगा, आई है आई के बाद क्या है जे, जे से चेंज हो जाएगा, ओ है पी से चेंज हो जाएगा, और यू है वी से चेंज हो जाएगा। तो वोवल को नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से चेंज करना है, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द previous letter, got it? तो करने के बाद, करने के बाद आपको ये बताना है राइट से फोर्थ कौन सा है, तो मैं सारे क्यों करूं, तो मैं सारे क्यों करूं, एक दो तीन चार, राइट से फोर्थ ये है, बस इसको चेंज किया पी, क्योंकि ये वोवल था, नेक्स्ट से चेंज किया। अब एक व्यक्ति वो है जो सारे चेंज किया जा रहा है, ए के बाद बी आएगा, सी से पहले बी आएगा, एच से के पहले आपका जी आएगा, एच के पहले जी आएगा, आई के बाद जे आएगा, आई के बाद जे आएगा, एम से पहले एल आएगा, एन से पहले एम आएगा, पी के पहले आपका क्या हो जाएगा, 15 ओ हो जाएगा, पी के पहले ओ हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। एक तो व्यक्ति है जो सारे चेंज कर रहा है, तो मैंने तो सारे नहीं किए, मैंने तो डायरेक्टली देखा राइट से फोर्थ, तब भी तो राइट से फोर्थ पी बनेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। क्लियर है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी और ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा, और आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों को इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बताना है, और बताया करो, कमबख्तों बताते नहीं हो, ठीक है, जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको बताना है।
नहीं छोड़ना क्यों है तुम्हारे पास, अगर टाइम होगा तो छोड़ोगे क्यों बताओ? इतना आसान क्वेश्चन छोड़ोगे क्या कि वर्ड के लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो, नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दो और फिर दाएं से बता दो पांचवा कौन सा है, चौथा कौन सा है? ये भी छोड़ने वाला क्वेश्चन होता है, बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। पेपर में आपके पास आ जाए, आपके पास दो मिनट बचे हो तो करोगे नहीं इसको, छोड़ दोगे? एक मिनट भी बचाओ तब भी नहीं करोगे क्या? आराम से कर लोगे, 30 सेकंड का काम है, दिमाग लगाओ ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जल्दी करो ना। अब ये बड़े बड़े वर्ड क्यों लेकर के आता हूं भाई, बड़े बड़े वर्ड इसलिए लेकर के आता हूं तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। ये भी करवा दूं क्या? चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। लखनऊ मेडिकल है भाई, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए यार, आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसमें आपकी गलती है भाई। लखनऊ मेडिकल है, इसमें क्या करना है, ईच कंसोनेंट इन दिस वर्ड चेंज टू द प्रीवियस लेटर एंड ईच इंच वोवल इज रिप्लेस टू द नेक्स्ट लेटर, ठीक है ना? देखो देखो मैं क्या है, देखो क्वेश्चन कितने आसानी से हो जाता है आपसे। क्वेश्चन में कहा है लखनऊ मेडिकल है, लखनऊ मेडिकल, ठीक है, ये तो सामने स्क्रीन पे लिखा ही रहेगा, ठीक है। आपको कह रहा है लखनऊ मेडिकल के जो कंसोनेंट्स है ना उनको प्रीवियस लेटर से और वोवल को नेक्स्ट लेटर से, वोवल चुन चुन के नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दो। यू के बाद वी आएगा, ओ के बाद पी आएगा, ठीक है ना, ई के बाद एफ आएगा, आई के बाद जे आएगा, ए के बाद बी आएगा, और कंसोनेंट को प्रीवियस लेटर से चेंज करना है तो सारे कंसोनेंट को प्रीवियस लेटर से चेंज कर दो। एल से पहले के होता है, सी से पहले बी होता है, के से पहले जे होता है, एन से पहले एम होता है, डब्ल्यू से पहले वी होता है, एम से पहले क्या होता है एल होता है, डी से पहले क्या होता है सी होता है, सी से पहले बी होता है, एल से पहले क्या होता है के होता है। ये दिमाग में प्लेस वैल्यू चल रही है ना तो आपका खेल हो जाता है, गॉट इट? तो यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है करने के बाद, देखो ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कंसोनेंट को, इस वर्ड के कंसोनेंट को प्रीवियस लेटर से चेंज कर दो और ईच वोवल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल। तो कंसोनेंट को तो प्रीवियस लेटर से चेंज कर दिया और वोवल को नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दिया, कितनी देर लगी और मैंने किया? 20-30-25-30 सेकंड लगे होंगे ना जो मैंने चेंज किया है। आपको लखनऊ मेडिकल लिखना थोड़ी था, बस यहीं से उतार लेते ना कि कंसोनेंट है तो ये कर दो, वोवल है तो ये कर दो, कंसोनेंट है तो ये कर दो, वोवल है तो ये कर दो, ठीक है? ये तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, इतना तो शार्प माइंडेड होना ही चाहिए कैंडिडेट को, और आज की डेट में तो सिलेक्शन उन्हीं का हो रहा है ना जो शार्प माइंडेड है, तो बनना पड़ेगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड लोट ऑफ प्रैक्टिस। तो फिर वो कह रहे हैं जो नए लेटर आए हैं उनको रीअरेंज कर दो अल्फाबेटिकली, जो नए लेटर आए हैं उनका उनका अरेंजमेंट करना है अल्फाबेटिकली, उनको अरेंज करना है। तो मैंने इनको जब अल्फाबेटिकली लगाया मेरे प्यारे साथियों, तो बी मेरे को एक नजर आ रहा था और कोई बी है यहाँ पे और दो और बी है, तो दो बी लगा दिए मैंने अल्फाबेटिकली, इनको मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद सी भी नजर आ रहा है मेरे को, मैंने सी भी लगा दिया। उसके बाद डी नहीं नजर आ रहा है, ई नहीं नजर आ रहा है, एफ नजर आ रहा है तो मैंने एफ को भी लगा दिया, ठीक है, एफ एक ही है, हाँ एक ही है। तो उसके बाद जी एच आई, जे के एल एम, के आपके पास है, जे भी है आपके पास, एक जे ये रहा, और भी है क्या? एक ये रहा, ठीक है, और नहीं है। फिर के की अगर मैं बात करूँ तो मेरे प्यारे साथियों, वन टाइम के, टू टाइम के, तो टू टाइम के है, टू टाइम के को लगा लिया। उसके बाद अगर एल की बात करें तो एल भी है, एल को भी लगा दिया। उसके बाद एम की बात करें तो एम भी है, एम को भी लगा दिया। उसके बाद अगर बात करें तो पी है आपके पास, पी को लगा दिया। और उसके बाद अगर बात करें तो टू टाइम वी है, तो टू टाइम वी को भी लगा दिया। और सारे लेटर आपके कट चुके हैं, आप चेक कर सकते हो, और सारे लेटर को आपने अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया है। और अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से फोर्थ कौन सा है, एक दो तीन चार, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एम। तो मेरे प्यारे साथियों मुद्दे की बात क्या है, दोनों प्रश्न आप लोगों को जो मैंने करवाए हैं, ठीक है ना, मुद्दे की बात ये थी, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन का आंसर है एम है। तो मुद्दे की बात ये थी कि एक क्वेश्चन में तो कहता है पहले उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करो फिर उनको चेंज करो, दूसरे में कहता है कि पहले चेंज करो फिर अल्फाबेटिकली अरेंज करो। इन दोनों में अगर आप सेम खोपड़ी भी लगा दोगे ना तब भी काम हो जाएगा, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, सेम खोपड़ी भी लगा दोगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी एज यू विश, आप लोगों को जैसा कहा जा रहा है आप वैसा ही करें, उसमें कोई बदलाव ना करें, क्योंकि जब दिमाग लगाने बैठोगे उसमें टाइम जाएगा, इससे बेटर क्या है जो कह रहा है कहता है करते जाओ करते जाओ। ये अगर आपको क्वेश्चन ऐसे नजर आते हैं तो इनका एक ही रामबाण इलाज होता है, दिमाग कम लगाओ, जो कह रहा है करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। बस इसके अंदर आपकी स्पीड तब बनेगी जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनती है। तो ये क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको होमवर्क में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर मेंशन कीजिएगा, मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से। 18 ए, 18 बी, 18 सी, 18 डी, ऐसे करके आंसर मेंशन कर दीजिएगा, या पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। ध्यान से पढ़िएगा, हर चीज को ध्यान से पढ़ करके आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। और अगला सेशन आप किस पर चाहते हैं ये मुझे इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बता दीजिएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल आपके लिए वो सेशन लेकर के आऊं। तो अगला सेशन किस टॉपिक पे आप चाहते हैं तो इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। तो साथियों जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरीके से अपने पे
या परिवार के साथ इसके साथ। तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अन अकेडमी पर बड़े शानदार बैचेस आ रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा जो कमिंग 7th of July से, जैसे ऑल स्टार बैच है आपका, जैसे अगर संकल्प बैच है, सफलता बैच है, जिसके अंदर 40,000 से ज्यादा घंटे का रिकॉर्डेड सेशन, 300 से ज्यादा क्लासेस, 70+ एजुकेटर आप लोगों को वहां पर पढ़ा रहे हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, वाई फर्स्ट स्टडी चैनल के बेस्ट एजुकेटर आप लोगों को वहां पर पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ये जो ऑल स्टार बैच है जिसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, 9 मंथ्स की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, वीकली क्विजेज रहेंगी, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, जो CGL CHSL इन सबको टारगेट लेकर के होगा मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों आप जब इस लेवल की तैयारी करते हो ना CGL CHSL, तो स्टेट लेवल तो ऐसे निकलने लगता है आपका, मेरी बात समझ में आ रही है ना। और या फिर अगर मैं बात करूं MTS की, तो ऐसे ऐसे आप रेड मारने वाले हो, फिर तो बस पूछो मत। अब मुद्दे ये बात ये है मेरे प्यारे साथियों, जो प्राइसेस है वो हाइक होने वाले हैं, और जो फीस का स्ट्रक्चर चल रहा है वो ये चल रहा है कि 6500 आपकी 1 ईयर की फीस है, लेकिन जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपकी ये जो फीस हो जाएगी 5850 हो जाएगी। और एक खुशी की बात आपको मैं बता दूं कि जुलाई मंथ का ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, गॉट इट। तो ऐसे ही आपका 24 मंथ यानी 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे जिसकी फीस 7800 है, जैसे ही ये रेफरल कोड लगाओगे तो फीस हो जाएगी 7020। और ऑफर ये चल रहा है कि 2 ईयर का अगर कोर्स लोगे तो 1 ईयर की आपको सब्सक्रिप्शन एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी, ठीक है ना। मतलब 1 साल का कोर्स लिया 1.5 साल के लिए वैलिड है, और 2 साल का कोर्स लिया 3 साल के लिए वैलिड है। और इस साल के अंदर जो भी कोर्स आपके लॉन्च होने वाले हैं, जो भी आपके क्लासेस, जो भी बैचेस आपके पिछले लॉन्च हो चुके हैं, तो सभी की क्लासेस आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, जो चल रहे हैं उनकी क्लासेस में एनरोल हो जाओगे। तो और क्या चाहिए भाई, एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टीपल एग्जाम को टारगेट कर लो, ठीक है ना। सबसे जरूरी बात मेरे प्यारे साथियों, हर संडे एक टेस्ट होता है SSC कॉम्बैट जिसे बोला जाता है, इसमें पार्टिसिपेट जरूर किया करो, ऑल इंडिया रैंकिंग पता चलती है, सबसे जरूरी जो है हमारे लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी अनअकैडमी ऐप आपने डाउनलोड जो कर रखी है उसमें नीचे जो टेस्ट का ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करेंगे, ये दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे SSC कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, इस पर क्लिक करते ही आपको क्या करना है, डिटेल फिल करनी है और एनरोल करना है इस कोड के द्वारा, दीप सर कोड के द्वारा एनरोल करना है। और आप लोगों को इस टेस्ट के बारे में मैं बता दूं कि 50 मिनट में 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, SSC पैटर्न बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। और अगर आप बैंक वैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंक कॉम्बैट भी होता है, ठीक है। और ये जो कॉम्बैट टेस्ट है मेरे प्यारे साथियों, ये हर संडे 12 बजे होने वाला है, तो कल 4 जुलाई और 12 बजे टेस्ट होने वाला है, जिसका फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज आपको मैं बता दूं, ये पहले 3 प्राइज हैं, और जो टॉप 500 रैंकर होंगे उनको Amazon वाउचर्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों ये हमारे लिए देखो प्राइजेस का तो ऐसा है कि एनकरेजमेंट आता है, ठीक है ना, और एक टेस्ट देने की हैबिट बन जाती है, और जो कि बहुत जरूरी है। एक जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसको मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट स्पीड टेस्ट इज द की ऑफ सक्सेस मेरे प्यारे साथियों, ये जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो फीस स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और जो मैं अपना कोड आपको बता चुका हूँ, और जो अनअकैडमी पर मेरी क्लास होती है, ठीक है ना, अनअकैडमी पर जो मेरा प्रोफाइल है, आपको उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी क्लासेस टोटली फ्री है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आज भी आपकी क्लास होने वाली है 3:45 पर, हर रोज तो वैसे 2:45 पर होती है, बट आज 3:45 पर होने वाली है, गॉट इट। तो 3:45 पर क्लास होने वाली है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये कोड लगा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो फीस है इसमें आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, और एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है, क्या करना है, गॉट इट। शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो वीडियो को लाइक शेयर, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। RRB NTPC की फिक्स डेट क्या है, राजस्थान पुलिस SI का है क्या? बिल्कुल होगा, राजस्थान पुलिस का SI का होगा, बैच होगा, एक बार वहां पर आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना। जैसे MP का है, ठीक है, MPSI का है, तो वैसे आपको वहां पर उसका भी मिल जाएगा। क्लास का टाइम क्या है, मेरी क्लास का टाइमिंग जो है फिक्स है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर, शाम को 7 बजे, हर रोज शाम को 7 बजे, ठीक है ना। कॉम्बैट 12 बजे है, बिल्कुल 12 बजे है, ठीक है ना, कल दोपहर 12 बजे है, ठीक है, ठीक। GKGS पर सर, तो बेटा GKGS पर तो नहीं, रीजनिंग में टॉपिक बताओ क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और कोई भी बात हो, जानकारी हो आप लोगों को मैंने जैसा बताया, तो आप मुझसे जुड़िए, ठीक है, मैं आप लोगों को वहां पर जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और ये बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, ये क्लास बहुत अच्छी रही होगी। थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।